हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें निश्चय आईएएस एकेडमी को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। अब हम बात करें क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके उदय के कारणों का वर्णन करें। क्षेत्रवाद का अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके उदय के कारणों का वर्णन करें। फर्स्ट पैरेम देखो जरा, क्षेत्रवाद का अर्थ की बात करेंगे हम लोग। अच्छा, क्षेत्रवाद का अर्थ की बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, हमेशा ध्यान दो। इसका अर्थ की बात करेंगे हम लोग, इसका अर्थ यह है एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के हितों को समान मानते हुए अपनी संस्कृति को महत्व देना। एक क्षेत्र विशेष में देते हुए महत्व देना, एक ऐसी विचारधारा जो क्षेत्र रहने वाले लोगों के हितों को महत्व दे रही है और क्षेत्र के कल्चर को महत्व देता है, उसे कहते हैं क्षेत्रवाद। यह केवल अर्थ बताना आपको। आप सेकेंड पैरे में देखो, आप सेकेंड पैरे में इसका कारण, सबसे पहले आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में क्या होगा, एक क्षेत्र का पिछड़ापन एवं बेरोजगारी। नंबर दो की बात करें राजनीतिक कारक, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के द्वारा क्षेत्रीय मुद्दों को महत्व देना। एवं जातिगत कारण, देखा जाए भाषाई कारण एवं सांस्कृतिक कारण, ये सारे रीजन हैं। जातिगत कारण में क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली जाति जैसे पंजाबी, हरिवात, मराठी और गुजराती, को महत्व देना। जैसे मराठी गुजराती समुदाय, भाषाई कारण में क्या है, अपनी अपनी भाषा को महत्व देना। रुक जाओ, ठीक है,
सांस्कृतिक कारण में क्या है? अपने संस्कृति को उच्च माना, अंत में भौगोलिक कारण देखिए। भौगोलिक कारण में क्या है? विषम भौगोलिक स्थलाकृति, तथा आधारभूत संरचना के विकास का अभाव, इतने सारे कारण हैं। हम थर्ड पेरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। क्लियर? चलो एकदम एकदम साफ देते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आप एग्जांपल दो, दस समय केवल पॉइंट फॉर्म में नोट कर रहा हूं, आप एग्जांपल देते जाओ। हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह, ठीक है? अगला चले, निष्कर्ष लिखो एक लाइन में। देखो क्षेत्रवाद क्षेत्रवाद के बीजारोपण में भौतिक कारकों ने महत्व दिया, किंतु अमूर्त कारकों ने इसे महिमा मंडित कर दिया। अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कल्चरल जो है ना वो अमूर्त है, हमारे कारकों ने इसे महिमा मंडित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो आप।